आश्रम पर लंबे जाम से लोगों को राहत देने के लिए सराय कालेखा फ्लाईओवर रविवार से चालू कर दिया गया है। इससे लोगों को सेंट्रल, ईस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 630 मीटर लंबे तीन लेन वाले इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसे 66 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना था, लेकिन हमने इसे 50 करोड़ में ही बनाकर 16 करोड़ बचा लिए। हमारी सरकार में बने 30 फ्लाईओवर के निर्माण में 557 करोड़ रुपए हमने बचा लिए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ्लाईओवर बनने से अब टी जंक्शन पर जाम की समस्या खत्म हो गई है। इस फ्लाईओवर के चालू होने से आईटीओ से आश्रम की तरफ आने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। पहले आश्रम में आधे आधे घंटे का जाम लगता था, आश्रम अंडरपास, डीएनडी एक्सटेंशन, और अब इस फ्लाईओवर के बनने से ट्रैफिक को 5 मिनट भी नहीं रुकना पड़ेगा। अब चंदगीराम से लेकर आश्रम, मूलचंद, धौलाकुआं तक कोई रेड लाइट नहीं है। दिल्ली में पूरे रिंग रोड के ऊपर अब कोई रेड लाइट नहीं है। इसके अलावा दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए जिन इलाकों में ज्यादा ट्रैफिक होता है उन पॉइंट्स की पहचान कर स्टडी की जा रही है, ताकि जरूरत के अनुसार वहां पर यू टर्न, फ्लाईओवर, अंडरपास बनाया जा सके। सीएम ने कहा कि 1947-2015 तक दिल्ली में 72 फ्लाईओवर अंडरपास बनाए गए, जबकि दिल्ली सरकार ने